हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आज की डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या अंतर होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको बीकॉम न्यू शो करेगा, बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जाम की अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। तो जो सबसे पहला अंतर है वो ये है कि द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम एक तरीके से फंडामेंटल कंडीशंस होता है जिसके ऊपर, जिसको बेस बना करके एक तरीके से बिजनेस को जो है स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। दे आर द कंडीशंस इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रिएटर्स एंड द आउटसाइड पब्लिक एज वेल एज फॉर द शेयर होल्डर्स, है ना। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस जो होते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं यू नो क्रिएटर्स के लिए, आउटसाइड पब्लिक के लिए और साथ ही साथ उन शेयर होल्डर्स के लिए भी जो कि उस कंपनी में पैसे लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम में एक तरीके से फंडामेंटल कंडीशंस, फंडामेंटल जानकारियां होती हैं जो वहां पे लिखी जाती हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो उस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द इंटीग्रल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, है ना। ये एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी काम करती है। दे ओनली रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स मेंबर्स एंड अमंगस्ट द मेंबर्स देमसेल्फ। तो यहाँ पे एक तरीके से जो रेगुलेशन है वो किया जाता है बिटवीन द रिलेशनशिप जो है कंपनी का और शेयर होल्डर्स के बीच में या फिर कंपनी का मेंबर्स के बीच में। इस रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए जो है आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप कि पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे कंपनी काम करती है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रेगुलेशंस हैं, इंटरनल रेगुलेशंस हैं जिसका इस्तेमाल जो होता है जब कंपनी के रिलेशनशिप जो कि है शेयर होल्डर या फिर मेंबर के साथ उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेमोरेंडम लेज डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म कैन नॉट गो। मेमोरेंडम एक तरीके से उस एरिया को दर्शा देता है जिसके बियॉन्ड जाकर के कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। मेमोरेंडम एक एरिया बता देता है कि आपकी कंपनी जो है इसी एरिया के तहत काम करेगी, इसके बाहर वो नहीं जा पाएगी। आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन इनसाइड दैट एरिया। तो जो एरिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने प्रोवाइड कर दिया, उस एरिया के भीतर आप किस तरीके से काम करोगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करनी है, वो उस एरिया को दर्शाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत बड़ा इलाका है, आर्टिकल एसोसिएशन उसके अंदर का एक छोटा सा इलाका है जो कि उसके अंदर के रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है। दस मेमोरेंडम लेज डाउन द पैरामीटर्स ऑफ द आर्टिकल्स, है ना। तो जो मेमोरेंडम होता है वो एक तरीके से पैरामीटर तैयार करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बाय द टाइम, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू एक्ट आपको बदलना होगा। एक्ट के अंदर जितनी भी सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, जितनी भी सारी सिचुएशंस बताई गई हैं, सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप अल्टर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। Besides the approval of the shareholders in a general body meeting, either by way of ordinary resolution or special resolution, है ना? इसके अलावा आप shareholders की अगर आप general body की जो meeting होती है, उसमें अगर आप इन चीजों को लेकर के जाते हो, और वहाँ पे अगर ये सारी जो भी alteration अगर वो publicly pass हो जाती है, तो भी उस केस में आप कर सकते हो, या फिर आप कोई resolution निकाल सकते हो, या फिर कोई special resolution निकाल सकते हो, उसके जरिए भी ये चीजें की जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट का प्रमोशन यहाँ पे किसी किसी केसेस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड बाई द मेंबर्स बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन ओनली। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना, ऑल्टर करना काफी मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, उसको ऑल्टर करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए आसान है, क्योंकि यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप अगर सिर्फ एक स्पेशल रिजोल्यूशन निकाल देते हो तो उसी से आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक तरीके से ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है।
चौथा पॉइंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप किसी भी तरह के क्लॉज को इंक्लूड नहीं कर सकते जो कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जाता हो। कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत जो भी क्लॉजेज हैं आपको उसको ध्यान में रख करके ही अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है। वेयर एज अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सब्सिडियरी बोथ टू द कंपनीज एक्ट एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें भी दो चीजों का सम्मिलन होता है, एक तो होता है कंपनीज एक्ट और दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों को मिला करके दोनों के एक्ट दोनों के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो आपको होने चाहिए वही चीजें आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करोगे, उसके अलावा किसी और चीज को आप मेंशन वहां पे नहीं कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन केस में जो गाइडिंग फोर्स है वो कंपनीज एक्ट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में आपका जो गाइडिंग फोर्स है वो कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खुद है। ठीक है, अगला और आखिरी पॉइंट है, एक्ट्स डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायर्स एंड दस एब्सोल्युटली वॉइड, है ना। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आप अपनी कंपनी के मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर रहे हो जो कि उसके बियॉन्ड जा रही है, आपके मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा रही है, तो हम उसे कहेंगे अल्ट्रा वायर्स और उस केस में वो जो काम होगा वो वॉइड हो जाएगा, वो सही नहीं होगा, वो कम्प्लीटली वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दे कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन द यूनानिमस वोटेड बाय द ऑल द शेयर होल्डर्स, है ना। अगर यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर के भी इस चीज को अगर सही बताने की कोशिश करें तो भी उसका जो वॉइड का जो टैग है वो आप उसको नहीं हटा सकते, वो वॉइड ही कहलाएगा। ठीक है ना, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव लाते हो जो कि पॉसिबल नहीं है तो वो बदलाव जो है सही नहीं माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा, चाहे यहाँ पे कितने भी यूनानिमस मेंबर्स का वोट ही वहां पे क्यों ना शामिल हो। ठीक है, बट द एक्ट्स Beyond the articles can be ratified. लेकिन ऐसे act जो कि beyond the articles हैं, उसको ratified किया जा सकता है by the shareholders provided the relevant provisions are not beyond the memorandum. लेकिन जो उसके relevant provisions हैं, वो memorandum के according ही होने चाहिए, वो उसके beyond नहीं होने चाहिए। मतलब memorandum के case में आप कोई भी चीज नहीं changes नहीं कर सकते हो, लेकिन acts जो आपका article of association है उसके according आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स की जो जो एक तरीके से परमिशन है, जो उसका वोट है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके मेमोरेंडम की प्रोविजन है आप उसके बाहर जाकर के भी काम नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।